हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। तो सबका मैं वेलकम करता हूँ मेरे चैनल कंप्यूटर कोड पे। आई नो वीडियोस थोड़ी सी लेट से आ रही हैं, तो कुछ रीज़न की वजह से। और एक सेकेंडली, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं नेक्स्ट वीडियो को इस तरह का ऐप बनाऊं जो आप लोगों के लिए भी मीनिंगफुल हो और मेरे लिए भी हो। तो बस इसी कन्फ्यूजन में, और समझ नहीं आ रही कि इस चीज़ को मैं कैसे हैंडल करूँ। खैर, एनीवेज, आज का जो हमारा लेक्चर है, इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि जब से फ्लटर की लेटेस्ट अपडेट्स आई हैं, अपडेट आने के बाद जो है प्रीवियस ओल्ड हमारी एप्लीकेशन जो है वो नहीं एग्जीक्यूट हो रही। तो देखते हैं आज हम उसको एग्जीक्यूट हम किस तरह कर सकते हैं, कुछ कौन सी चेंजेस हैं जो हम करेंगे। जिस तरह के ये है, फ्लटर 2.1.12.0 है, और अगर मैं साथ में हमारे पास लेटेस्ट कोई भी हमारी एप्लीकेशन ओपन कर लूँ, जैसे कि ये ऑटो जनरेटर पासवर्ड है जिसको मैंने अभी लेटेस्ट पे अपडेट किया हुआ है, तो ये 2.15 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम चेंज करेंगे यहाँ पे, और जिसके बाद जो है हमारा फ्लटर का लेटेस्ट पे ये ऑटोमेटिकली मूव हो जाएगी और ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। अभी के लिए मैं हमारे एमुलेटर को रन करता हूँ और देखते हैं कौन कौन सी ऐसी चेंजेस हैं जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और जिसके बगैर हम इसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। हमारा ओल्ड वर्जन जो है, ये जो हमने ऑटो जनरेटर एक पासवर्ड एप्लीकेशन बनाई थी, ये वही है। जस्ट अ सेकंड, क्या हो गया है? ठीक है, वो अपने आप को सेट कर रहा है। तो इसको मैंने थोड़ा सा अच्छा किया है। ये जो हमने एप्लीकेशन बनाई थी, ये मैंने एक्चुअल में मैंने अपलोड करनी थी अपने हवावे स्टोर पे। इस वजह से अगर आप लोग भी चाहते हैं कि वीडियो आपको इस तरह की मिले जिसमें हम हवावे स्टोर पे एप्लीकेशन को अपलोड करना सीखें, तो वो भी मैं आप लोगों को सिखा दूंगा। जस्ट कमेंट में आप बता दीजिएगा, या जो लोग पर्सन मेरे साथ अटैच्ड हैं वाया व्हाट्सएप और एनी सोशल मीडिया लिंक, तो उनको भी। तो ये इस तरह मैंने एप्लीकेशन, ये हमारी जो रैंडम पासवर्ड जनरेटर था उसको मैंने ज़रा सा एक प्रोफेशनल वे वाली लुक दी है, क्योंकि मैंने इसको हवावे स्टोर पे अपलोड करना था। अगर आपको मैं ये भी दिखा देता हूँ कि हवावे स्टोर के अंदर मैं लॉगिन करके आपको दिखा दूँगा जिस तरह ये सारा जनरेट कर रहा है। इसके बाद सेम वही काम सेव हो रहा है, और अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास कस्टमर, अगर कोई अपना पासवर्ड अपनी मर्जी से मैं ऐड करना चाहूँ तो वो भी ऐड कर सकता हूँ। प्लस फोर रात को मैंने, हम एक सिंपल सी एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पे मैं जस्ट ये दो चीज़ें इनेबल करता हूँ, जनरेट करता हूँ, कॉपी करता हूँ और सेव करता हूँ फेसबुक। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सेव करूँगा, वो मुझे बोलेगा कि आपका पासवर्ड जो है सक्सेसफुली सेव हो गया। अगर मैं इसको गेट करूँगा, ओके, यहाँ पे कुछ फेसबुक आई डोंट नो क्या एरर आ गया है, दोबारा से इसको हम यहाँ से ऐड कर लेते हैं। FND, ये हमें ABC और पासवर्ड रख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, यहाँ पे इसको मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे सर्च करते हैं ABC चेक, तो वो मुझे उसने इसका पासवर्ड दे दिया। ठीक है, होपफुली आपको ये चीज़ों की समझ लग गई होगी। डोंट नो यहाँ पे क्यों नहीं कर रहा था। यार एनीवेज, रात को इसकी अपडेशन में मैं काम कर रहा था, इस वजह से शायद मैं कर रहा हूँ। फेसबुक सेव्ड, और यहाँ पे हाँ नहीं सही काम कर रहा है, मैंने स्पेलिंगों की कोई मिस्टेक की होगी। ये देखिए यहाँ पे ये काम कर रहा है। ठीक है, एनीवेज हम आते हैं अपने काम की तरफ। तो देखते हैं कि हम इसको किस तरह कौन सी ऐसी चीजेस हैं जो हम करेंगे और जिसको करने के बाद जो है हमारी ऐप जो है वो एग्जीक्यूट हुआ करेगी, क्योंकि ये हमारा पेट शॉप हमने एक बनाई थी ओल्ड वर्जन पे है, ये अभी लेटेस्ट वर्जन पे नहीं आई। जब से फ्लटर 2.10 आया है, तो इस वजह से कुछ ओल्ड एप्लीकेशन जो हैं वो रन नहीं हो रही, एरर्स आ जाते हैं। तो जैसे ही इसको कंप्लीट होती है, देखते हैं इन एरर्स को हम किस तरह सॉल्व करेंगे और किस तरह वो हमारा एग्जीक्यूट होगा।
ये देखिए पैकेज प्लेटफॉर्म पैकेज डॉट रूट, ये एरर्स आने हमें स्टार्ट हो गए। ओके और इसके बाद ये फिनिश हो जाएगा। तो इसका सिंपल सा तरीका है, हमने यहाँ पे आना है और src और ये ग्रेडल डॉट बिल्ड, ठीक है, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे ये हमारा कॉम का ये हमारा होगा। ओके यहाँ पे एंड्रॉयड SDK मिनी वर्जन, ये इसको हमने रिमूव कर देना है। और रिमूव करने के बाद एक आपने रैंडमली कोई भी लेटेस्ट वर्जन पे आपने अपना जनरेट कर देना है, प्रोजेक्ट पर जनरेट कर देना है। और ये दो तीन चार चीज़ें ये आपने कॉपी करनी, इसको कॉपी करना है और इसको इधर पेस्ट करना। सॉरी ये मिनी मिनी नहीं, यहाँ पे फ्लटर डॉट कंपाइल वर्जन, इसको कॉपी करेंगे, इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ओके बाकी फ्लटर ओके ये ऑटो के अंदर हूँ, इसके बाद मिनी वाला क्या कर रहा हूँ मैं भी पागल हुआ खड़ा हूँ। ओके ये कंपाइल वर्जन, अभी सेम एडिट इस तरह। और इसका नेम हम क्या करेंगे, यहाँ से हम चुरा लेंगे थोड़ा सा, ये चीज़ यहाँ पे ये। और सेकेंडली ओके और यहाँ पे ये चीज़, ओके ये काम हो गया। अभी एक और चीज़ रहती है, वो क्या रहती है, अब यहाँ पे मैं SRC के अंदर आऊँगा, मेन आऊँगा और यहाँ पे एंड्रॉयड मैनिफेस्ट, यहाँ पे एंड्रॉयड मैनिफेस्ट यहाँ पे लेबल आ रहा होगा पेट शॉप ये वो। लेकिन हमें यहाँ पे दो चीज़ें और ऐड करनी है, मैं SRC के अंदर जाऊँगा मेन और ये एंड्रॉयड मैनिफेस्ट। हमने क्या करना है, लेबल के बाद ये चीज़ हमने कॉपी करनी है, इसको करेंगे कॉपी और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। अब हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं अब हमारा काम हुआ या नहीं हुआ। ओके वार्निंग्स आ गई हैं, पहले मेरे ख्याल में ये वाली वार्निंग्स नहीं आई थी मेरे ख्याल के मुताबिक, मुझे आई एम नॉट कन्फर्म्ड, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। ओके जी इनपुट प्लेटफॉर्म पैकेज रूट इग्नोर डेप्लिकेटेड, व्हाट इज द इशू इशू इशू, कोई डिपेंडेंसी हमने इस तरह की यूज़ की हुई है, होस्टेड जस्ट अ सेकेंड वेर इज इशू, ये भी हम इस तरह कर देते हैं और इसको कर देते हैं पब गेट, पब गेट और पब अपग्रेड, इसको पब अपग्रेड भी साथ में ही कर देते हैं ताकि जो चीज़ें चेंजेस होने वाली हों वो हो जाएं। ये देखिए चीज़ें कुछ डाउनलोड हो रही हैं। ओके अब इसको करते हैं क्लोज और एक दफ़ा कमांड रन करते हैं, फ्लटर क्लीन की ताकि वो सारी चीज़ें एक दफ़ा क्लीन हो जाए, और अगेन पाथ गेट करेंगे वो सारी चीज़ों को खुद ब खुद ही गेट कर लेगा। अब हम एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं क्या एरर आ रहा है। ये बिल्ड ग्रेडल है, यहाँ पे एंड्रॉयड कोटलिन, हाँ कोटलिन के वर्जन का इशू होगा, राइट वो भी हम इसको चेंज कर देते हैं। मैं ऑटो पासवर्ड जनरेटर में जाता हूँ बिल्ड, और यहाँ पे कोटलिन वर्जन चेंज है, ये वाला वो वाला वर्जन, कोटलिन वर्जन का भी इशू आ जाता होता है अगर आपके पास लेटेस्ट है तो। नहीं ठीक है यहाँ पे पैरामीटर, हाँ ठीक है इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगी, कोटलिन का वर्जन का भी समटाइम इशू आ जाता है क्योंकि मुझे एक दो एज प्रोजेक्ट जिनके मैं कर रहा था, मुझे एक दो प्रोजेक्ट में कोटलिन के वर्जन का इशू आया था, काफ़ी फेस हुआ था, तो फिर मैंने चेंज किया था तो वो ऑटोमेटिकली सेट हो गया था, तो
अभी ये एक सिंपल सा तरीका है, ये तो तीन चार चीज़ें आपने चेंज करनी है। चेंज करने के बाद जो है आपके ओल्ड एप्लीकेशन जितनी भी है ना वो सारी लेटेस्ट वर्जन पे चल जाएंगी। ये देखिए कोटलिन वर्जन आ गया, एरर मुझे लग ही रहा था कि आएगा। लेटेस्ट वर्जन अपडेट कर दें और इसको एक दफ़ा क्लोज कर दें और दोबारा फिर से एग्जीक्यूट कर दें, अब हो जाएगा। मुझे पहले लग रहा था कि कोटलिन वर्जन का इशू आएगा, वही हुआ, कोटलिन वर्जन का इशू आ गया। क्योंकि फ्लटर जब से अपडेट हुआ है काफ़ी चीज़ें चेंज होगी, और वैसे भी लेटेस्ट अपडेट आती रहती हैं, तो आपको भी अपने लेटेस्ट एसडीके वर्जन कोटलिन के वर्जन पे मूव होना चाहिए। और एक एल्बम की सीरीज आ रही है जावा पे, जो बेसिक लेवल लैंग्वेज ऑफ जावा सीखना चाहते हैं उस पे, बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज होने वाली है, तो मेरे साथ बने रहिएगा। जिन लोगों ने मेरा जो लोग मेरा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मेरी वीडियोस, तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, इससे मुझे थोड़ी सी सपोर्ट हो जाएगी। ओके 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 ओके, फाइनली जो है हम अपने ओल्ड वर्जन से न्यू वर्जन की तरफ मूव हो चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारी एक पेट शॉप थी जो हमने बनाई थी, और इस पे स्क्रीन वगैरह और ये सारी। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को बनाया, ये हम लोगों के इसके ट्यूटोरियल्स पड़े हुए हैं यहाँ पे, ये हमने बनाया था, ये से यू आर प्रोफाइल और ये सारा कुछ कुछ इस तरह था से था सारा कुछ, जिस तरह ये डॉग है ये। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिएगा।